కుర్రాడు చూడగానే నాకొచ్చిన ఫస్ట్ ఎమోషన్. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एनके और आप देख रहे हैं लोधी हॉटस्पॉट पर सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुंटूर करम के फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग कलेक्शन की रिपोर्ट. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुपरस्टार महेश बाबू जो कि साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जहां पर उनकी नेक्स्ट फिल्म है गुंटूर करम, जो कि कल वर्ल्ड वाइड के सभी सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी. बताना चाहूँगा दोस्तों, इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज नहीं किया जा रहा, बल्कि इस फिल्म को सिर्फ तेलुगू में रिलीज किया जा रहा. मतलब कि ये फिल्म सिर्फ साउथ में रिलीज होगी, नॉर्थ में रिलीज नहीं हो रही. बताना चाहूँगा दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई सारी फिल्मों के साथ क्लैश में रिलीज हो रही है, फिर भी इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से बहुत अच्छी कमाई की है. वैसा बात करें फिल्म की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में, तो फिल्म ने अपने पहले दिन के लिए इंडिया से तेलुगु ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है 17 करोड़. जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने अब तक अपने पहले दिन के लिए इंडिया से तेलुगु ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है 17 करोड़. वहीं पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन के लिए अब तक 7,50,000 से भी ज़्यादा टिकट बेच दी हैं, और इससे सुपरस्टार महेश बाबू ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि साउथ में उनके सामने कोई भी स्टार नहीं टिक सकता. जी हाँ दोस्तों, साउथ में महेश बाबू का स्टारडम इतना ज़्यादा है कि साउथ में कोई भी हीरो उनके आसपास भी नहीं रहता, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ सिंगल लैंग्वेज में रिलीज हो रही है और फिल्म ने अब तक 17 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर ली है. अगर फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाता तो ये फिल्म अब तक 40 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई क्रॉस कर जाती. वैसा दोस्तों, ये फिल्म को रिलीज होने में अभी एक दिन का टाइम है, और ये फिल्म रिलीज होने से पहले 35 करोड़ के आसपास कमाई कर लेगी, और जब ये फिल्म रिलीज होगी तब ये फिल्म अपने पहले दिन 100 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई करेगी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर. तो दोस्तों, सुपरस्टार महेश बाबू की जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो उनकी फिल्म पहले दिन तो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही तगड़ी ओपनिंग लेती है, फिर फिल्म स्टोरी के दम पर चलती है. अगर स्टोरी ख़राब निकली तो फिल्म नहीं चलती, लेकिन अगर स्टोरी अच्छी निकली तो फिल्म बॉक्स ऑफिस को फिर पूरी तरह से बर्बाद कर देती है. अब हम सभी लोगों को कल का इंतजार है, कल फिल्म को अच्छे रिव्यूज़ मिल गए तो फिल्म बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख देगी.